से चार फटी है यार। नागराज जी हमारे बीच आने वाले हैं, स्टूडियो से निकल चुके हैं और बस यहाँ दरवाजे की तरफ आप नजरें जमा कर रहे हैं। मौके पर सिंगल है जो मैं चाहता हूं कि प्ले की जाए, हम उसको सुनते हैं। नागराज जी आपका स्वागत है। आपना सर्वांगा महाराष्ट्र दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा। तो ये एक मान वंदना, नागराज जी आप यहां पर आए हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत शिव गर्जना से। जी हो जाए, हो जाए इनका। जय श्री रुद्रराज है।
और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर उनको जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्मश्री भावना सोमैया जी, मशहूर फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर, हमारे ही अपनी टीम की मेंबर भावना जी को मैं जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहता हूं कि नागराज जी का आप यहां पर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। कैन वी हैव द बुके प्लीज, एक बढ़िया सा बुके। और भावना जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नागराज जी का यहां पर स्वागत करें। हमारी प्रोग्रामिंग हेड राधिका, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बढ़िया सा बुके देकर यहां पर वेलकम करें भावना जी का। महाराष्ट्र आइकन ऑफ द ईयर 2017 का खिताब नागराज मंजुळे जी को प्रदान किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि इस पर दो शब्द आप सबसे पहले कहें। ये लाजवाब स्वागत के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ये तुतारी आणि ढोल ऐकून उंदराला कोणाची सिंह झाल्याचा आवाज आणि गैरसमज होण्याची शक्यता आहे। म्हणजे जाताना कार नाही तर घोडा कुठे असं मला वाटायला नको। पण खूप खूप थँक्यू, खूप आभार तुमचे। आणि मी नेहमी म्हणतो की कौतुक हे जरा जास्तच असतं, ते अतिशयोक्ती असते, पण कौतुक करणाऱ्याचं मन खूप मोठं असतं म्हणून तो कौतुक करतो। मी ते फार गांभीर्याने घेत नाही, मला वाटत नाही खरं तर मी आलाय की तुम्ही महाराष्ट्र ऐकून वगैरे मला वाटतंय। पण तुमच्या मोठ्या मनासाठी आणि आपके दर्या दिली के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे महाराष्ट्र का आइकॉन चुना है। करी ना बात, कुछ गलत तो नहीं कह रहा तो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस इतने लाड़ प्यार से इस क्या कहें किताब से नवाजा है। थैंक यू सो मच और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और महाराष्ट्र दिन के भी सारे महाराष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं। अभी आपने कहा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे लगता है कि सैराट के बाद कुछ भी ज़्यादा नहीं है। क्या बात है, क्योंकि सैराट के बाद आपने ना सिर्फ मराठी सिनेमा की मगर हिंदी सिनेमा की भी पर्सपेक्टिव बदल दी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप वहाँ से चलकर आ रहे थे और ये सब पिपुड़ी और जो ढोल वगैरह जो बज रहा था, तो बहुत ज़्यादा हम तो एकदम मूड में आ गए थे लावड़ी करने के लिए, मगर आपके मन में क्या चल रहा था? असल में मुझे बहुत अच्छा लगता है ढोल और ये सब हल्की, जो मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, बचपन में बजाता भी था और अच्छा लगा ऐसे स्वागत जब होता है। लेकिन मैं डर जाता हूँ कि कभी कभी ये अपने लिए ही है या हमें बजाना है और नाचना है ये पता नहीं चलता। लेकिन फिर मैं खुद को ये बार बार याद दिला कि हाँ गया कि अच्छा अभी आगे जा रहा है तो, लेकिन बहुत खुश हूँ कि आपने इतना बढ़िया स्वागत किया, इतने प्यार से मुझे आगे बुलाया। नहीं, आप शोलापुर से हो तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि शोलापुर में ऐसी कौन सी स्कूल है जहाँ पे नागराज को पैदा किया जाता है? तो हम सब जाके वहाँ पढ़ेंगे और ये सैराट काइंड ऑफ फिल्म बनाएंगे और इतना ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। ये अजीब भी है, मतलब मेरा मैंने अभी भी कहा, मेरे भाई ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि अब सब मुझे, मतलब इंटरव्यू जब इन्होंने मुझे सुना है कि मेरे दोस्त लोग कह रहे हैं कि नागराज स्कूल बंक करता था और मैं तो बहुत बहुत बिगड़े टाइप का बच्चा रहा हूँ, मतलब आज भी हूँ कुछ। और मेरे भाई ने लेकिन कहा है कि तू एक अकेला शायद इकलौता या कुछ चुनिंदा एग्जांपल से एक है कि जो इस भूकंप से बच के आया है। तो मेरा स्कूल तो मेरी ज़िंदगी है जिससे मैं बच के यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ अनुभव हैं कि वो शायद आपको आकार देती हैं और आपका एक क्या कहते हैं सेंस तैयार करती है। तो वो बच गए तो फिल्म, नहीं तो फिल्म की कहानी खुद बन जाओगे। तो मुझे
पता नहीं कि आपको क्या राय दूं और कहां पे जो कि वहां जाके आप देखें या ये करें कि कहां नागराज बनता है। मैं भी असल में जानना चाहता हूं कि पता नहीं लेकिन क्या बनाऊं, लेकिन आज भी है ये। और आपको था मन में ऐसे कभी के ये स्कूल से आप निकले हो और आगे चलकर फिल्म मेकर बनोगे और ऐसी फिल्में बनाओगे, ऐसा था पहले से एक सपना या एक बिल्कुल सरप्राइज हो गया आपके लिए? मैं मतलब बचपन में मुझे बचपन में फिल्म देखता था तो एक्टर होने का मन करता था, और बाकी पता नहीं था कि कोई डायरेक्टर नाम का आदमी भी इसके पर्दे के पीछे होता है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, बहुत अच्छा भी लगता था कि एक्टर जो है वो सब मतलब हीरो है ना, तो वो मारता भी है, गाता भी है, रोता भी, मरती भी, जिंदा भी हो जाता है। फिर तो मुझे लगता था कि एक्टर बन जाऊँ, और अमिताभ जी मुझे बहुत अच्छे बचपन से लगते थे, तो मैं अमिताभ जी की बहुत सारी मतलब मिमिक्री करता था बचपन में उनकी फिल्में। मैं खुद वहाँ पे हम लोग खेल खेल में खेलता था, तो गधे पकड़ के लाते थे हम बहुत सारे, और शोले की शोरी हम करते थे। तो लेकिन जिनके गधे थे वो लोग घर में जरा अमिताभ बन जाते थे, हमको सांभा खालिया बना देते थे। लेकिन अब मुझे पता चला कि तब मैं उस फिल्म का वो जो वो खेल का मैं डायरेक्टर था वो तब नहीं पता चलता था, क्योंकि मैं बोलता था कि ये करना है, तो ये है, तो ये। तो डायरेक्टर होने का कोई मन था नहीं, कोई ख्वाब भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। बहुत बाद में पता चला कि डायरेक्टर नाम राइटर और इतने लोग फिल्म के पीछे होते हैं, और एक्सीडेंटली मैं तो फिल्म मेकिंग में आ गया, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आ रहा था। लगभग 2007-08 में ये बात मेरे जहन में मतलब लाई गई, दूसरे ने, मेरे एक दोस्त ने वो कहा कि तुम ये करो, लेकिन कहानी कहने का, स्टोरी जो हम बोलते हैं तो सुनने का और कहने का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं बचपन से, और कविताएँ लिखता था। लगभग 10वीं फेल होने के बाद मैं कविताएँ लिखना शुरू किया, तो स्टोरी लिखना या कविता लिखना या स्टोरी कहना, अगर जो भी सुनाना है तो दोस्त के दीदी की नहीं, नागराज को सुनाइए, वो अच्छा सुनाते हैं, आप मुझ सुनाओ। तो शायद स्टोरी टेलिंग की बहुत दिली तमन्ना थी, कुछ ऐसे जज्बात थे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं सुनाऊँ, और हर एक में होता है, लेकिन शायद मैं ठीक ठाक बोलता हूँ, अच्छा लगता है मेरी कहानी, तो मैं फिल्म मेकर बन गया। लेकिन पता नहीं अभी सुनना चाहोगे कविता सुनाइए जो ये महाराष्ट्र डे के लिए भी लागू हो, और कुछ महाराष्ट्र के भी बात होनी चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र बुरा बन जाएगा। कविता तो पता नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, नहीं मैं मतलब ये बात है कि मतलब महाराष्ट्र आप जैसे कि नाराज होने की बात है, महाराष्ट्र ही नहीं है तो हम जो भी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रदेश कोई देश इंसानों से अलग नहीं होता है। आप होते हो तो देश होता है, देश की कोई सीमा रेखा मतलब आप ऐसे क्या कहें पॉइंट करके आप नहीं कहते हो ये देश है और ये है। तो हम महाराष्ट्र हैं, अभी ढोल बजाए, तुतारी बजी है, ये लोग जो पहने, हमें बेटा पहना है, तो ये सब महाराष्ट्र नहीं है, लोग तो ऐसे भी पता चलेगा। ढोल बजे और तुतारी बजी, उसकी कोई खास मतलब होता है या इट्स जस्ट सेलिब्रेशन, या कोई उसकी एक पूरी हिस्ट्री है? अभी इतना डिटेल में मुझे हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये तो बहुत प्रेरणा रही है, और ये सुन के मैंने जैसे कहा कि एक आम आदमी को भी लगे कि वो शहंशाह है, और ढोल तो बहुत प्रेरणा रही है, ढोल बजते हैं या हल्की बजती है तो ऐसे ही हम उत्साहित हो जाते हैं, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं मतलब आप कोई भी उदास आदमी को अगर ढोल सुना दो वो नाचने लगे, तो ये स्वागत का जरिया है हमारे महाराष्ट्र का, और क्योंकि बहुत बढ़िया है और अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि आपकी हर फिल्म को कम से कम 20 अवार्ड मिले, सच है? मतलब इससे ज़्यादा है, मुझे तो लिस्ट भी दिया गया मगर मैंने कहा मैं कहाँ याद रखूँगी। हाँ मिले होंगे बिल्कुल मतलब सही, मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था पिस्तुलिया नाम का, तो उसको नेशनल अवार्ड था, और उसके लड़के एक्टर है उसको भी था, हेनरी को भी था, और सैरट को भी है एक्टर को, और बाहर पोएट्री बुक की है उन्होंने अच्छा कटाई किया, उसको भी कुछ साहित्य पुरस्कार मिला। हाँ उसको भी मिले थे पहले, मतलब हेनरी से पहले, हेनरी से पहले। अच्छा तो मैं आइकॉन हूँ तो शायद ये बोल रहा तो मुझे मतलब कभी तो पहले से लिखता था, तो 2011 में ये बुक मेरी आई थी, तो लोगों को पसंद आई जो साहित्यकार हैं हमारे मराठी के,
और जो साहित्यिक जो लिटरेरी अवार्ड्स है वो भी कुछ मिले हैं और लोगों को मेरी कविताएँ अच्छी लगी हैं कुछ मिला। हालांकि कविता लोग पढ़ते नहीं ज़्यादा लोगों को पता नहीं क्योंकि फिल्म देखते हैं देखने वाले ज़्यादा लोग हैं लेकिन पहले से लिखता है वो अच्छा भी लगता है कविता। आपने करियर में शुरुआत इसलिए की क्योंकि बचपन में तो आप एक्टर बनना चाहते थे तो अभी एक्टर बनने का कोई प्लान है और हिंदी फिल्म बनाने का कोई प्लान है? एक्टर तो ऐसे छुटपुट बन गया मैं मेरी फिल्मों में कुछ करके खुद मैं फैमिली में भी था मेरी शॉर्ट फिल्म में भी था और कुछ दोस्तों के फिल्मों में काम भी किया हालांकि अच्छा लगता है लेकिन अभी पता चला है कि मेरा मेन जॉब जो है मैं अच्छा राइटर डायरेक्टर हूँ तो वो मुझे करना चाहिए और वो मेरे लिए अफोर्डेबल भी ज़्यादा है। मैं एक्टिंग करने से बेहतर है कि मैं फिल्में बनाऊँ और कभी अच्छा लगे तो मैं एक्टिंग भी करूँगा और फिलहाल कुछ फिल्में मेरे सिवा कुछ और भी फिल्में की हैं और हिंदी फिल्म तो मैं पहले से ही मानता था कि हिंदी मराठी ऐसा कुछ मैं डिसाइड करके नहीं चला लेकिन शायद बना लूँ और अभी कुछ जो कुछ लिख रहा हूँ तो कुछ कहानियाँ हैं जो हिंदी भी बन सके कुछ कहानी है जो मराठी में बन सके लेकिन ज़्यादा भी शायद मैं मराठी में ही बनाऊंगा और कभी कभार अगर लगा कि ये कहानी हम हिंदी में कह सकते हैं या अंग्रेजी में भी कह सकते हैं तो कभी लगा और आपके जो फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन उनके साथ कुछ करने वाले अभी तो कुछ पता नहीं मिले कि नहीं उनको मैं फेमस होने के बाद उनको मिले कि अभी तक तो नहीं मिला मतलब देखिए अमिताभ को मिलना कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा अमिताभ मैं तो बचपन से उनको मैं ये कहता हूँ एक पार्ट ऐसे एक पार्टी में मिला हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मतलब सर ने फिल्म देखी है और उन्होंने ट्वीट किया था तो उसके बाद एक हमारी थोड़ी सी बात हुई थी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ जिनकी फिल्में मैंने मतलब लगभग कोई फिल्म होगी जो मैंने देखी है अमिताभ बच्चन की और उन्होंने मेरी फिल्म देखी मुझे इतना सराहा और उनको अच्छी लगी ये बात तो मैं बहुत खुश हूँ ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है अवार्ड है और अच्छा लगता है इतने सारे लोगों ने मतलब फिल्म देख के मुझे बताया कि हमें फिल्म अच्छी लगी। बस आप एक और आखिर में मैसेज दे दीजिए महाराष्ट्र डे के लिए और हम लोग सब कहेंगे जय महाराष्ट्र। मैसेज नहीं मैं शुभकामनाएँ या मेरी सब दुआएँ आपको बताऊँगा कि महाराष्ट्र दिन की पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बस खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र जय हिंद। भी हम नॉर्मली क्या करते हैं कि केक कटिंग वगैरह करते हैं पण आज आपण महाराष्ट्र डे बद्दल बोलतोय तर आज आपण दीप प्रज्वलन करणार आहोत इथे तो मैं चाहूंगा भावना जी आप और नागा जी आप आए और यहाँ पर दीप प्रज्वलित करें और साथ में ढोल नागाड़ो जी ईयर की शानदार शानदार ट्रॉफी भावना जी के हाथों से नागराज जी को प्रदान की जाने वाली है तो ढोल नगाड़े और तुतारी की तान पाए
तरफ से हम भावना जी को भी कुछ देना चाहेंगे। जी हाँ, जब जब हमने आवाज लगाई है तब तब आप यहाँ पर है हमारे लिए। तो राधिका जी के हाथों से ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, सबसे पहले तो महाराष्ट्र आइकन ऑफ द ईयर बहुत ही कम लोगों को मिलता है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैंने अभी भी कहा कि इस अवार्ड के लिए मुझे उन्होंने लायक समझा और मुझे अवार्ड से नवाजा, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अवार्ड के साथ ऐसा नहीं लगता कि आप जिम्मेदारी बढ़ जाती है और दर्शकों के साथ उम्मीदें बढ़ जाती है? देखिए, जिम्मेदारी ना हमारे काम के प्रति अपनी होती है, और अवार्ड देते हैं तो लोग आपका काम पसंद करते हैं, ये उसका एक रिएक्शन होता है कि, लेकिन इससे जिम्मेदारी सिर्फ अवार्ड से नहीं बढ़ती, आपके काम के प्रति जो आपका लगाव है, आपकी जिम्मेदारी खुद अपने काम के प्रति जो आप समझते हैं वो भी ज़रूरी है। अवार्ड देने के बाद अगर जिम्मेदारी बढ़े और नहीं मिले तो आप बुरा काम करेंगे, तो ये कोई मुझे लगता है ठीक जरिया या तरीका नहीं है। मराठी फिल्म के जैसी जब भी बात आती है, जो उनका पहले 5 ईयर्स के देखा जाए तो उनमें बहुत ही बात रेज हुआ है, तो जब भी रेज का नाम आता है तो आपका पहला नाम आता है नागराज मंजुलेश। हाँ, तो ऐसे जब सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मतलब ये सिर्फ ये अच्छी बात है कि मेरा नाम निकलता है, इतने बड़े सब जो दिग्दर्शक हैं और जितने बड़े दिग्गज लोग हैं उनमें मेरा भी नाम निकलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। सबका ही काम है, इंडस्ट्री एक अरसे से यहाँ तक आई है, तो उस एक इतने बड़ी मूवमेंट का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और मुझे भी आप मेंशन करते हैं तो बहुत खुशी होती है। मराठी फिल्म में बात करें तो कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, सलमान खान जी इससे जुड़ चुके हैं अभी, उसके अब प्रियंका जी ने वेंटिलेटर किया, आपने भी डायरेक्ट किया था किरण राव को अभी पानी फाउंडेशन के, तो ऐसा जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी जब तक अच्छी फिल्म बन रही है तो मुझे कोई बाकी चीज़ ज़रूरी नहीं लगती है, अच्छा काम हो तो कोई भी कोलैबोरेशन हो, और कोई भी कोलैबोरेशन हो अगर फिल्म अच्छी नहीं बनेगी तो कोई उससे मतलब दर्शकों को शायद उससे मज़ा नहीं आएगा। आपकी फिल्म ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था, इसके अलावा जो बाहुबली आ रही है अभी, बाहुबली तो उसके बारे में कितने एक्साइटेड हैं आप और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े तौर पर फिल्में बन रही है, और मैं शुभकामनाएं दूंगा। हिंदी में बन रही है? अच्छा, नहीं मुझे पता नहीं अभी तक, तो उसके बारे में क्या करण जौहरी बनाने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं ये न्यूज़ के बारे में, और शायद आपको पता है तो ये मैं मतलब पता नहीं ये सही बात है या अफवाह है, ये मुझे कुछ भी ठीक से पता नहीं है। नहीं, उन्होंने ट्वीट करके जाहिर किया है क्या? कब किया है? अभी नहीं, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। अच्छा, तो मैं कुछ जानता नहीं यार, मैं मेरे शैल में था तो मुझे ये बात पता नहीं, मैं समझूंगा तो बोलूंगा। इसके अलावा अगर सैराट का रीमेक बने तो किसको देखना चाहेंगे एज एक्टर अगर हिंदी से? ऐसा कुछ सोचा नहीं मुझे मैंने। सर, जैसे कि आपने बात किया कि आप अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन हैं, तो खबर आई है कि आप हिंदी उनके साथ मूवी बनाने वाले, तो ये इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब ठीक वक्त आएगा तो मैं बात करूँगा। फ्यूचर में देखने मिलेगा क्या हिंदी मूवी? हाँ बिल्कुल, मतलब शायद देख पाएंगे, मैं बना लूँ।
इसके अलावा बॉलीवुड की जो अभी जो सैड खबर आई है कि विनोद खन्ना जी नहीं रहे हमारे बीच, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है और मैं मतलब उनकी फिल्में हम सब ने देखी हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया एक्टर थे। और मुझे अभी जब एक दो घंटे पहले बात चली तो हमारे दोस्तों के साथ बात हुई, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक बहुत ही बड़ा एक्टर हमारे बीच अभी नहीं रहा। थैंक यू सर। आप एक्टर भी बनना चाहते थे, इसके अलावा तो कोई फिल्म हो या कभी भी तो कोई गाना? क्या क्या सॉरी एक्टर है, मतलब आप एक्टर नहीं यार, ऐसे सीन भी कुछ मतलब ये नहीं, लेकिन उनकी बहुत सारे फिल्म है, मुझे खून पसीना बहुत याद आ रही है कि उनकी फिल्म देखी है, और बहुत सारे दयावान हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं वो थे, तो अभी बहुत सारी यादें नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू।